तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है एचपी विलेज लाइफ तुलसी देवी। और तुलसी देवी आपका स्वागत करती है अपने चैनल पे। आज के वीडियो की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो रही है और मैंने यहाँ तड़का काट लिया है। आज से लहसुन प्याज शुरू। मतलब जब 13 दिन हो जाते हैं तो हमारे गांव के कल्चर के हिसाब से क्रिया बोलते हैं, तो वो है अगले कल, और अगले कल है मंगल, तो आज सोमवार है। आज हम माथे पे बिंदी मांग में सिंदूर और ये जो वर्जित थी चीज़ें उनको खाना स्टार्ट कर देंगे आज से, ठीक है। और तो पशु वगैरह बैठे हुए हैं और अभी मुझे जाना है। ये जो काउ शेड में गाय है और परे हैं बकरियां, ये मुझे जंगल में छोड़नी है चुगने के लिए। सभी अपने अपने काम में लगे हैं। हस्बैंड जी कर रहे हैं वेल्डिंग और ये बन रहा है जो पानी की टंकी होती है उसके लिए स्टैंड, और मैंने झाड़ू पोछा और मिल्किंग वगैरह की। मम्मी ने चपाती लगाई क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना है। तड़का वगैरह मैंने काट लिया है बाहर बैठकर, और यहाँ रात को बिस्तरा बाहर लगता है और यहाँ पर रखते हैं एलईडी देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का स्टैंड बनेगा वो टंकी के लिए। मैं छत पे आई हूँ, थोड़ा सा आसपास का व्यू बता देती हूँ, ठीक है। सूरज जी वहाँ से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, और आसपास का इस तरफ अंधेरा रहता है क्योंकि इस तरफ लेट धूप आती है, तब यहाँ इस तरफ अंधेरा रहता है। और इस तरफ लग गई है धूप, और इस तरफ ही था हमारा मनरेगा का काम भी, ठीक है। और ये बकरी है और ये इसका बड़े वाला बकरा है पिछले साल का, अब अभी इसकी डिलीवरी होगी है। इसने 3 बच्चे दिए थे, तो जो मेमनू होता है ना, छेल्लू बोलते हैं जिसको हम अपने गांव की भाषा में, वो ख़त्म हो गया है। और 2 जो मेमनियाँ हैं, छेलियाँ हैं, वो है पता नहीं कहाँ छिपी है, इन्हें लकड़ियों के पीछे छुपी है, ये इस साइड आ गई होगी, ठीक है। तो मैं इनको छोड़ने के लिए जाऊँगी, और तकरीबन मैंने जो मेरा बाहर का काम था वो मैंने अपना ख़त्म कर ही दिया है। झाड़ू लगा दिया है, गोबर के तसले मैंने भर दिए हैं, और एक काउ शेड साफ़ कर दिया है। अब मुझे इन पशुओं के लिए घास डालना है फटाफट से, वहाँ टोके के पास जो हैं, और उसके बाद फटाफट से निकल जाना है क्योंकि धूप आ चुकी है। मुझे फटाफट से ये 2 बकरियाँ और गाय रखनी है जंगल में, ठीक है। टाइम 7:05 हो गए हैं, तो फटाफट से मैं पशु छोड़ लेती हूँ पहले जंगल में। तो यहाँ घुस गई है वो छोटी छोटी बच्चियाँ दोनों, और जब बाहर निकलेंगे ना तो बता दूँगी मैं आपको। अंदर है, यहाँ घुस गई है वो, ठीक है। तो पता नहीं उन्होंने दूध भी पिया है कि नहीं पिया है, और अब मैं मुझे ही छोड़नी होगी जंगल में क्योंकि धूप आ गई है। देखो पता नहीं दूध भी पिया है कि नहीं पिया है। एक बार तो मैंने मिल्किंग कर दी है इसकी, और दूसरी बार फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि पिए ही नहीं होगा कि क्या किया होगा। कमज़ोर हो गई है बकरी, ये मैंने बकरी वहाँ पे, और गाय चली गई है वहाँ पे, ठीक है। तो अपने आप चोग कर फिर आ जाती है घर पे, ठीक है। तो शायद लगता है मक्खी भेजती है इस तरफ ही। हर एक जगह से ना नया नया व्यू दिखता है, यहाँ से दिख रही है ऐसी पहाड़ियाँ, ठीक है। ये भी जा रहे हैं पार बकरियाँ लेके, देखो वहाँ यही साइड से जा रहे हैं, मैंने परली साइड से छोड़ दिया, और फिर बकरियाँ ना हमारे घूम घूम के यहाँ से इस तरफ से होकर यहाँ से सीधा आ जाती है घर, क्योंकि इसके ना जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो है घर पर, तब ऐसे तो लोगों के खेत में भी चली जाती है चोरी करने। मौसम किस इस तरह का है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, मेरे फोन से दिखता अच्छी तरह से। तो ये सड़क गई है ऊपर घासनी की तरफ, ये भी मनरेगा के ही तहत बनी है, और ये सड़क गई है पारले गांव को, यहाँ से जाती है दूध वाले की जीप उपले वाले गांव, वहाँ तक ही है गांव, इससे आगे फिर कोई गांव नहीं, इससे आगे ऊपर जंगल ही जंगल है, ठीक है। तो बकरियाँ छोड़ के अब मैं जा रही हूँ घर, और आज है सोमवार,
तो आज हम बालों में पुरंदी वगैरह भी लगाएंगे और माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर वगैरह अपना पूरा श्रृंगार कर लेंगे आज, ठीक है। तो आज मेरे जेठानी जी की मम्मी की डेथ को हो गए 12 दिन कंप्लीट। तो वहाँ पर कल है क्रिया जो 13वें दिन की जाती है और 16वें दिन की जाती है धर्म शांति। तो उससे 1-2 दिन पहले बेटियाँ ना पहले कर लेती है जो भी उन्हें साहित्य मुहूर्त का काम करना होता है, तो हम उससे 1 दिन पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि बेटियों को मतलब गांव के कल्चर के हिसाब से ना बेटियों को 1-2 दिन पहले ही अपना जो भी गांव का कल्चर होता है उसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से चलते हैं घर और देखते हैं वहाँ पर कौन सा काम रहता है। तो दोपहर को फ्रेश होकर फिर करते हैं अपना श्रृंगार। अरे जा, तो बकरिया जंगल से आ गई है अपना पेट भर के, और वो बच्चे ना अभी भी उन लकड़ियों के पीछे ही छुपे हुए, उनकी माँ इतना बुला रही है फिर भी नहीं आ रहे, ठीक है। मैंने भी बुलाया, कोशिश की उनको बुलाने की, लेकिन वो बैठे हुए एक जगह, क्योंकि वहाँ छाया भी है और अंदर घुस के भी गई। अगर अब उनको निकालना होगा ना तो लकड़ी हटानी पड़ेगी एक साइड को। बेचारी अपने बच्चों के खातिर धूप में ही बैठ गई है, पर वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं यहाँ से। अब मुझे ऐसा लगता है ना ये लकड़ियाँ ही हटानी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बांधा है ना इसको धूप में कि ताकि वो निकल जाए यहाँ से। यहाँ से घुसी हो, यहाँ से साइड साइड लेकर यहाँ से अंदर चली। आ जा, आ रही है, देखो देखो देखो, आ जा, मम्मी आ गए अब के, आ जा बच्चू। तो ये देखो दोनों यही है, लुखी हुई छिपी हुई है, देखो एक तो उठ गई है, दूसरी बैठी हुई है, अभी जो काले वाली है ना वो बैठी हुई है। आ जा। तो इसकी माँ यहाँ से बुला रही है इसको, तभी आएगी। तभी मैंने इसको ना थोड़ी देर के लिए बांधा, फिर मैं अंदर बांध दूंगी इनको। और हस्बैंड जी ने भी तैयार कर दिया है टंकी का स्टैंड, देखो अभी इसके ऊपर से ना ग्राइंडर लगा रहे हैं, तैयार ही है वो, ग्राइंडर लगा रहे हैं फिर साफ कर रहे हैं। पशुओं के लिए दाना बना रही हूँ और टाइम 10:30 बजे का हो गया, तो पशुओं को नहलाने का टाइम भी है, 11 बजे नहलाती हूँ पशुओं को। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ फटाफट से, और उसके बाद फिर पशुओं को नहलाने का काम लग जाएगा। ये वाली फंस गई थी अंदर, बड़ी मुश्किल से निकाला मैंने इसको, ये अपने आप ही निकल गई थी। तो ये दोनों को ना बेच देना मैंने, फिर लोगों के खेत में पड़ती है ना, लोग गाड़ियाँ देते हैं, इन दो को तो मैं संभाल कर रखती हूँ, ये मैंने दोनों दे दिए। कोई शौकीन होता तो बताना मुझे, दोनों दे दें मैंने, दोनों 3 बच्चे देने वाली बकरी है इसकी, छेड़ी है मैं नहीं। तो यहाँ पर थंबनेल के लिए फ़ोटो भी लिया जा रहा है और थोड़ी सी वीडियो भी शूट हो रही है, तो बताना मुझे अगर किसी को छोटे छोटे बच्चे चाहिए होंगे। तो पशुओं को पानी पिलाकर कर दिया मैंने अंदर, आज उनको नहीं नहलाया है, ठीक है। पता नहीं आज मन नहीं करा नहलाने, उतना ज़्यादा काम है करूँगी अपना नहाने का काम, और उसके बाद करेंगे फिर अपना श्रृंगार, ठीक है। आज हमने बिंदी वगैरह लगानी है और मांग में सिंदूर वगैरह वो लगाएंगे, क्योंकि आज सोमवार है, तो सोमवार को कर लेते हैं आज अपना श्रृंगार। और फटाफट से पहले मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद फिर अपनी वीडियो की क्लोजिंग भी यहीं पर कर दूँगी, लेकिन थोड़ा श्रृंगार करके, ठीक है। पुरानों के बिना ना मुझे बहुत बुरा लगता है, बाल ऐसे लगते हैं ना कि जैसे पूरे खुले खुले ही हैं। तो बिना पुरानों के तो मैं अपने बाल बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, उसमें हल्का हल्का सा तेल लगा लेती हूँ पहले, तो पुरानों लगा करना फिर गुट्टा भी अच्छा सा हो जाता है ऊपर जैसे। ऐसे बिना पुरानों के मैं पता नहीं कितने 1000 बार बना देती हूँ इसको, ऊपर लगा देती हूँ ऐसे, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर लगाती हूँ फिर नीचे आ जाते हैं। तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है, सरसों का तेल है। हल्का हल्का सा लगाऊंगी,
तो बाल मैंने पिछले दिन धो दिए थे और अब मैं इसमें हल्का हल्का सा सरसों का तेल लगा लूँगी, क्योंकि फिर ना हमें बोझा उठाने का काम भी करना होता है और फिर बाल नहीं बिखरते हैं। अगर हम तेल नहीं लगाए ना तो बाल बिखर जाते हैं। और मेरे फिर मैं सीधी मांग नहीं निकलती, बड़ी मुश्किल से निकालते हैं और फिर बाद में ना मैं मतलब बंद कर देती हूँ मांग। तो मांग को बोलते हैं ना कि कैमरे के सामने नहीं भरते, तो मांग वगैरह मैंने भर ली है और अब जल्दी जल्दी से लगाएंगे इसमें परंदु। और वीडियो में थोड़ी सी हल्की सी स्वीट दे दी है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा सूट किया है, पता नहीं ये मेरी वीडियो आजकल इतनी लंबी क्यों जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही बताया है, फिर भी लंबा हो गया है वीडियो और काट छांट के किया है। देखो तो इस तरह से परांदे लगा देते हैं, तो फिर बाल जब हम इकट्ठे करते हैं ना ऊपर गुट्टा जैसा बनाते हैं, वो फिर काफ़ी देर तक टिका रहता है। शाम को ही जब सोने जाते हैं ना तभी फिर गुट्टा निकालते हैं। तो ऐसे में बाल अगर ऊपर की तरफ करूँ ना, ये देखो ये वो लगी है, तो नीचे गिर जाते हैं बार बार क्योंकि छोटे छोटे बाल है। ये देखो इस तरह से अब इसको हम फोल्ड कर देते हैं, फिर ऊपर जब काम करने लगते हैं ना। मैंने बिंदी लगा ली है क्योंकि आज सोमवार था और कल फिर वहाँ तेरहवीं है जिसको हम बोलते हैं क्रिया, तो बेटी को पूरा जो है नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आज लगा दी है। और नेल पेंट भी लगा दूँगी, नेल पेंट बोलते हैं कि नेल पॉलिशन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने लगा दी, मैं बहुत कम लगाती हूँ तो आज तो लगाना ही था क्योंकि काफ़ी दिनों से छोड़ा हुआ था, तो आज तो बनता है लगाना। तो मैंने हाथ पैरों में सारे लगा लिया है और जो भी सिंपल सा श्रृंगार करते हैं वो मैंने कर दिया है। और इस वीडियो को भी यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। ओके।